देखिए स्कोर का भेजना है कमेंट्री बॉक्स में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको एक स्कोर भेजना है क्योंकि आखिरी में आपको मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन निकालना है। अगर स्कोर अच्छा रहेगा तो फिर अब फेयर डिसीजन दे सकते हैं। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर जादूगर योगेश धुंदिया और बायात के बहुत विध्वंसक बल्लेबाज, ट्रैक टी शर्ट और शूज कंपलसरी है, अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं रहती फिर आपको टीम को 2 रन की पेनल्टी, इस बात को ध्यान में रखें। और अंपायर आपको बताना है अगर किसी खिलाड़ी के पास ट्रैक टी शर्ट और शूज नहीं रहेंगे तो। यह सह खेल की शुरुआत होती हुई योगेश धुंदे विद रोशन भोईर, इस कप के दो मुख्य ऑर्गेनाइजर में से दो अच्छे ऑर्गेनाइजर अजय कशिवले, रोशन जाधव, हेमंत धुंदे, अमोल जाधव, कई ऐसे नाम है जिन्होंने इस कप को सफल करने में दिन रात मेहनत की है। वाकई में आप साइड स्क्रीन पर रोशन जाधव, रोशन भुईर, हेमंत धुंदे, अजय कशिवले के कटआउट को देख सकते हैं। भीमसेन भुईर की भी बहुत अच्छी मेहनत इस कप को सफल करना में। इस मर्तबा व्हाइट का इशारा था भाई, एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत होती भी। व्हाइट नंबर 2 इस वक्त हम देखते हैं भाई, बैक टू बैक 2 व्हाइट। देखिए सुपेगांव के अभी भी 12वीं खिलाड़ी आई ने स्मर्तबा गेंद को खेल दिया योगेश धुंदे ने, गेंद चली गई मैदान के बाहर पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। खेल दिया योगेश धुंदे ने, मिस टाइमिंग, खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन क्या छोटा हुआ, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर। आप जाके ये देखिए नाटकी क्रिकेट हम देखते हुए, भागम भाग क्रिकेट देखते हुए 2 रन पूरे होते हुए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 8। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, देखना क्या कुछ हुआ है, रन जरूर पूरा किया ऊपर योगेश धुंदे ने, लेग बाई का इशारा, यस सर, एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर जाता हुआ स्कोर। पहली मर्तबा इस इनिंग में रोशन भुईर सामना करते हुए, एक स्पिन गेंदबाज इस पर गेंदबाजी करते हुए। देखिए अब बायत के बैट्समैन रोशन इस पर क्रीज पर आ चुके, स्मर्तबा काफी तेज की थी, डॉट निकल गई रोशन भोईर के लिए।
नाव इस वक्त बिना किसी नुकसान पर संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर ए इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टॉस हर कर बल्लेबाजी करती हुई फिर से फ्लाइट ज्यादा क्रिस बॉक्स में चले गए थे अंदर की जनिप गेंद उनके शरीर को निशाना बनाती हुई लगातार अब कठिनाइयां महसूस करते हुए स्ट्रगल करते हुए पावर प्ले के खेल में रोशन भुईर हालांकि शुरुआत बहुत खराब की थी कि फ्लाइट अगेन दी स्पिन खेलने की कोशिश की थी लगभग पिच के बाहर चले गए थे बल्लेबाज खेलने के लिए स्मर्तबा उछाल दिया आसमानी टोला लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी और रोशन भोईर आउट देखिए एक ओवर की समाप्ति के बाद नौ और पहली ओवर तक सुपेगा का 12वां खिलाड़ी नहीं आया था इसके कारण 2 रन की पेनल्टी इस बात को ध्यान में रखना है एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 11 रन पेनल्टी क्या हमने 2 रन ऐड किए सुपेगा के 12वें खिलाड़ी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है समय देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करें पहली वार्निंग इस वक्त दी जा रही है या सर सुपेगा की टीम आपको ध्यान में रखना है अजीम सर की तरफ से आपको पहली समय के मामले में वार्निंग दी गई है एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना एक विकेट गंवाने के बाद रोशन जो शून्य पर आउट हुए थे पप्पू और योगेश दोंदे इस वक्त क्रीज पर संदीप राइट आर्म ओवर दी विकेट छूटी गेंद उसको पुल और पावरफुल और सक्सेसफुल डिलाइटफुल 6 रन सिक्सर के साथ अब उछलता हुआ स्कोर संघर्ष समता नगर का 17 रन राउंड विकेट योगेश के फिर से छोटी गेंद पंच कर दिया गेंद जा रही है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बैकफुट पर जाकर रूम दिया था योगेश दुंदी को और बहुत खूबसूरत पंच किया था लेकिन डीप में खिलाड़ी थे एक से ज्यादा कुछ भी नहीं संदीप छोटा रन अभी उनका बोल्ड गेंद को क्या छोड़ दिया और गेंद विकेटों से टकराती हुई विकेट नंबर 2 डीजे वैभव इन द मिक्स देखिए रिप्ले में किस तरह से आउट हुए थे और बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़ा था और बोल्ड होते हुए पप्पू नए बैट्समैन दी सनत जयसूर्या भिवंडी रोशन ना ज्यादा होते हुए लेकिन जब से उनका नाम सनत जयसूर्या रख दिया तब से उन्होंने रन बनाना छोड़ दिया संघर्ष समता नगर के लिए यस जिस तरह से विकी मात्रे को नाम दिया था उनके कप्तान प्रथमेश मात्रे ने ओपिनियन में कहा था कि रन मशीन ऑफ भिवंडी
जैसे नाम दिया था विक्की मात्रे ने रन बनाने छोड़ दिया था, उसी तरह की रोशन जाधव ने भी अब रन बनाना काफी दिनों से हम देख रहे हैं, उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। संदीप सामना करते हुए रोशन मरतबा फिर से तेज गेंद, चारों शानों छित करती हुई गेंद संदीप की, गेंद लड़ाती हुई विकेट कीपर के पास। स्कोर 18 रन कुल मिलाकर, 2 विकेटें गंवाने के बाद संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर। आउट होने वाले बल्लेबाज पप्पू और रोशन, योगेश धुंधे अभी भी क्रीज पर मौजूद है जो इस वक्त 13 पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से आसमान में खिला है लेकिन ग्राउंड के अंदर है गेंद, नोमेंस लाइन में टिप्पा खाती भी, बाल बाल बचते हुए पर रोशन, गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी खिलाड़ी के पास, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19, टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए ओवर नंबर 2 आप देख रहे जो इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके मालूम के लिए बताता चलो आप देख रहे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप 2020 ऑर्गेनाइज संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर। मैच नंबर आप 3 देख रहे हैं जबकि भारतीय समय के अनुसार 1 बज चुका है। मरतबा अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में उसको खोद के निकाला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन पूरा करते हुए योगेश। दूर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 20 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच मैं आवाज देना चाहता हूँ पीजी स्पोर्ट्स महापुली बनाम राहुल 11 अडगांव, दोनों को तैयार रहना है। देखिए गेम को स्पीड अप करना है, गेंदबाजी के लिए अब समता नगर एंड के जानिब से राजा आते हुए। पिछले मैच में एमबी स्पोर्ट्स सुपेगांव ने जीत हासिल की थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी प्रमोद ने। पहले मैच में पवन संघर्ष समता नगर बी के, उन्होंने भी बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी। फुल टॉस गेंद और मोड़ दिया डीबीस को लेके ऊपर से 6 रन। एडी की रिप्ले में बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा किस तरह से योगेश धुंधे ने शीर्ष शॉट्स को खेला था, कमाल का शॉट योगेश धुंधे के बल्ले से निकलता हुआ। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से इस शॉट्स को खेला था योगेश धुंधे ने, गेंद काफी स्कायर चली गई थी, लंबाई भी उतनी मिली थी और डिस्टेंस भी अंतर भी भाप लिया था योगेश धुंधे ने 26 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए क्या कुछ हुआ, नो का इशारा आया इस वक्त, रन के लिए मना किया था पर यस फ्रीट का सामना करते हुए अब धुंधे 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से योगेश धुंधे और एक, देखना गेंद मैदान के अंदर नहीं, गेंद मैदान के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। टीम के
कमाल क्या बल्लेबाजी हो रही है अपने तेवर में आते हुए योगेश धोंडे बहुत दिन के बाद अपने फॉर्म को झूंझ रहे थे और आखिरकार अपना फॉर्म निकल आता हुआ क्या शॉट खेला योगेश धोंडे ने। और एक ओहो पवन ने ऊपर कैच को अंजाम दिया आईवा कैच सिक्सर नंबर 3 इस वक्त और सिक्सर की हैट्रिक पूरी करते हुए योगेश धोंडे। अमोल जाधव की तरफ से सिक्सर हैट्रिक के लिए जो इनाम था 1000 रुपए का उसको अब हासिल करते हुए और पवन आपको भी इनिंग के बाद आना है क्योंकि आईवा कैच अपने अंजाम दी है। सिक्सर नंबर 4 लगभग लगने की कोशिश में लेकिन क्या छुट्टा हुआ देखना है और गेंद पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। अब 43 पर जाता हुआ स्कोर 43 योगेश धोंडे वन मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए स्मर्तबा फिर से ऑन साइड में खेल दिया है और 1-6 रन ये तो छक्के पे छक्के मारे धक्के पे धक्के देते हुए सुपेगांव टीम को। इस 42 पर इस वक्त नट आउट बल्लेबाजी करते हुए योगेश धोंडे। ओहो कमाल की बल्लेबाजी 6 रन 49 रनों की नट आउट पारी खेलकर आ रहे इस वक्त योगेश धोंडे जबकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन और 56 की चुनौती रखी है। ये देखिए छोटी गेंद और पुल और पावरफुल और सक्सेसफुल होती है इस इनिंग में योगेश धोंडे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन और जीतने के लिए 56 रनों की चुनौती रखी है प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगांव के सामने। आखिरी ओवर में 35 रनों की लूटमार की योगेश धोंडे ने और सिक्सर की हैट्रिक करने वाले पहले बल्लेबाज बनते हुए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप 2020 के पीजी स्पोर्ट्स महापुली के कप्तान और राहुल 11 अटगांव के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। इस वक्त सागर जाधव का सागोदर सम्मान होता हूं मैं अजय जितेंद्र धोंडे से निवेदन करता हूं आपकी शुभ बातों से सागर जाधव का स्वागत और सम्मान करें। पीजी स्पोर्ट्स मापुली के कप्तान और राहुल 11 अटगांव के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठ जाना है। पीजी स्पोर्ट्स मापुली के कप्तान और राहुल 11 अटगांव के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है।
एक ये खेल की शुरुआत करनी और गेंद देनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जबकि लक्ष्य 56 रनों का रखा है संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर ने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग होता है वो इसी मैदान पर हम साल के आखिर में देखने जा रहे हैं, जिसके ऑर्गेनाइजर अमोल यादव, योगेश धोंडे, कई ऐसे खिलाड़ी है वो करने जा रहे हैं। इसी मैदान पर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा शो हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी शख्स ने अभी तक YouTube लाइव नहीं किया था नॉकआउट टूर्नामेंट, हालांकि APL जो अंबेडकर प्रीमियर लीग जो होता रहता है दो सालों से, जिसमें से पिछले सीजन में हमने चैलेंज ग्राउंड पर देखा था जो YouTube और AAA चैनल पर लाइव टेलीकास्ट था, लेकिन नॉकआउट जो गेम रहता है वो पहली मरतबा भिवंडी के इतिहास में हम संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर की तरफ से देख रहे हैं जो YouTube पर लाइव। 10 देशों को अगर छोड़ा जाए तो फिर भारत और उसके अदर कंट्रीज में इस वक्त टेलीकास्ट होता हुआ। राहुल 11 के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में जाना, जहां पर पीजी स्पोर्ट्स मापुली के कप्तान पहुंच चुके टॉस बॉक्स में। यस, राहुल सालवे इस वक्त है, जो मिलिंद सालवे के इस वक्त बड़े भाई, छोटे भाई इस वक्त टॉस करने जा रहे हैं। और मैं मान्यवर सर अमोल यादव आपसे निवेदन करता हूं, आपको टॉस बॉक्स में जाना, आपकी शुरुआतों से टॉस होगा दोनों भी कप्तानों के बीच में। एक तरफ राहुल सालवे और एक तरफ पीजी स्पोर्ट्स के शैलेश गायकवाड़ और एक तरफ अमोल यादव, जिन्होंने सेकंड कैश प्राइज स्पॉन्सर किया है। भीमसेन की पहली गेंद सामना करते हुए बैट्समैन स्मरतबा उछाल दिया, लेकिन इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर। रोशन यादव गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन दो रन पूरे करते हुए इस बीच संदीप के बल्ले से निकलता हुआ शॉट, दो के साथ खाता खुलता हुआ प्रेसन स्पोर्ट्स सुपे का और संदीप का। टॉस होता हुआ दोनों भी टीमों के बीच में, यदि क्या स्मार्ट फोन पर आप देख सकते हैं अमोल यादव की शुरुआतों से टॉस जीता इस वक्त राहुल 11 स्पोर्ट्स अडगांव ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। का शॉट खेला, ऊपर गेंद जा रही है पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मातार का विद्वान अच्छा जगत हो नर नाय, मातार का विद्वान अच्छा जगत हो नर नाय। अभी अभी बगुल नबी माता नाव खुनी निवन या नर नाय। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त, 6 पर बल्लेबाजी, टिट फॉर टैट ईट का जवाब पत्थर से देते हुए स्लॉप सिप कर दिया। गेंद जा रही है डीप इस पर, लेग पर कोई भी खिलाड़ी नहीं, गेंद गैप में जा रही है 4 रनों के लिए। डीजे प्रभा मुंबई दस पर स्कोर जाता हुआ इस चौके के मदद के साथ। भीमसेन इस वक्त पूरी तरह से महंगे साबित होते हुए पावर प्ले के खेल में। स्मरतवा तेज की थी घूम के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद घुमाती भी चली गई थी विकेट कीपर के पास, काफी देरी के बाद डॉट गेंद निकलती हुई।
पीछा करते हुए अनीश जाधव और गेंद, आखिरकार जीती हुई 4 रन। चौके के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। कमाल की बल्लेबाजी हम देखते हुए संदीप की, मरतबा हवा में खेल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, या सब 4 रनों का इशारा आता हुआ इस वक्त आफ्ताब अंसारी का। एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, नेट टू नेट फाइट चलती हुई, जबकि एक ओवर में 11 बने थे संघर्ष समता नगर के, उसके जवाब में प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगांव के 18 बने। अब की ऑफ सक्सेस, जीत का सूत्र जिनके ऊपर अधिकांश डिपेंड रहता है, योगेश धोंडे आते हुए आक्रमण पर, उनको अटैक पर बुलाया अब टीम के कैप्टन ने। अब पावर प्ले की पाबंदी हट चुकी है। YouTube पर अब लॉग इन कीजिए विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कप 2020 या फिर omphotos.in या फिर .live लॉग इन कीजिए और इस कप का अब मजा लीजिए। बची भी 12 गेंदे और जीतने के लिए भूषण इस वक्त बताते हुए 38 रनों की जरूरत। अब कहीं ना कहीं दिल्ली दूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की है बहुत कमाल की, फ्लाइट दिया था लेकिन गेंद ज्यादा कटिया वो स्टंप के बाहर वाइट। अपने बाजू को खोलते हुए अजीम सर एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। मतलब आगे दी स्पिन खेला है, गेंद जारी मिड विकेट पर, गेंद चली गई पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। स्कोर अब आगे छलांग लगाता बाद 23 रन। वेट एंड वॉच, गेंद को देखा परका और छोड़ दिया वाइट। देखिए साइकोलॉजी जो दबाव रहता है मानसिक प्रेशर वो अब नजर आता बा योगेश धोंडे के ऊपर। फिर से अगेन दी स्पिन खेला लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और आउट होते हुए बैट्समैन निशांत। भीम जयंती 125। देखिए फ्लाइट दिया था, लेग ब्रेक की थी निशान के लिए और अगेन दी स्पिन खेला था, ज्यादा ऊंची गेंद चली गई थी स्कायर। देखिए जब आउटफील्ड में आप फील्डिंग करते तो जो स्कायर कैचेस रहते उसको जज करना बहुत मुश्किल बन जाता, लेकिन बहुत अच्छा जज किया था डीप स्क्वायर लेग की खिलाड़ी ने और पहली सफलता पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए योगेश धोंडे अपने टीम के लिए, जिन्होंने बल्लेबाजी में 49 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। योगेश राइट आर्म ओवर दी विकेट, फिर से ज्यादा ऑफ ट्रैकर गेंद थी, ज्यादा कटी थी, नो का इशारा था बा। यस अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। स्कोर 25 रन, सिल्वर जुबली में जाता बा प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगांव का। यस देखिए अपर वाइट का इशारा था बा। फिर से फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया, हेमंत के गेंद सर के ऊपर से चली गई 6 रनों के लिए।
ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उसको स्लॉप शिप कर दिया था, गेंद जारी है डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 6 रनों के लिए। आईवा कैच को अंजाम दिया है, देखिए पवन ने कैच को अंजाम दिया था इससे पहले, और जो अभी दर्शक ने कैच को अंजाम दिया है उसको भी आना है, साथ ही साथ पवन आपको भी आना है इस मैच की समाप्ति के बाद। योगेश धोंडे की तरफ से आईवा कैच के लिए 100 रुपए का इनाम भी है। एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी है डीप वाइडिश मिड विकेट पर, मिस फील्ड रोशन से, लेकिन अब जाके गेंद को उठाते हुए उस बीच संदीप और थ्रो होता हुआ बैकअप अनिश, देखिए भागम भाग क्रिकेट देखते हुए भाग मिलका भाग, और 3 रन इस बीच पूरे करते हुए संदीप, 3 रनों के साथ भूषण बताते हुए स्कोर 34 के ऊपर जाते हुए अब जीत की तरफ अग्रसर होती हुई प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगा। लेकिन मैच अभी भी बंद लिफाफे की तरफ आगे ढकलता हुआ, मैच किसी भी टीम की तरफ से ओपन नहीं हुआ है, अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरी है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिर से लेग ब्रेक घुमा दिया था योगेश धोंडे ने, मैंने शुरुआत की थी 2014 में, तब से मैं देख रहा है कि जीतू गवली पाईगांव के ऐसे गेंदबाज है जो एक ही एक्शन में दोनों टर्न करते हैं, आर्मर भी करते हैं और ऑफ ब्रेक भी, मर्तबा आसमान में खेल दिया, मिस टाइमिंग, योगेश धोंडे जा रहे गेंद के नीचे, ओहो कमाल का कैच, कैच ऑफ द मैच। दौर की समाप्ति के बाद 34 रन, अभी भी जीतने के लिए एक ओवर में 22 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 22 रन, और गेंदबाजी के लिए बायत के गेंदबाज दी सनत जय सूर्या पा भिवंडी रोशन आते हुए, लेकिन सामना करते हुए राजा संदीप बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे, 6 गेंदे 22 रन 34 के ऊपर 2 विकेट गिरी है दौर की समाप्ति के बाद प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगा की। छोटी गेंद उसको बैकफुट पर जाकर दिशा दी, गेंद जारी गैप में खिलाड़ी पीछा करते हुए, लेकिन मना किया ऊपर दूसरे के लिए, देखिए सोच बहुत अच्छी थी ऊपर बैट्समैन राजा की, क्योंकि संदीप लगातार बड़े शॉट खेल रहे और उनको स्ट्राइक पे लाना उनका काम था और वही किया इस वक्त राजा ने, 5 गेंदे 21 रन, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, जिस तरह के बल्लेबाजी हो रही है संदीप के माध्यम से। लगातार फील्डिंग में बदलाव लाते हुए ऑन साइड में बहुत कसी हुई फील्डिंग हम देख सकते हैं, जबकि एक शॉट थर्ड मैन और एक शॉट फाइन लेग जो विकेट कीपर के पीछे, स्मर्तबा बीट वे अंधा धुंध शॉट खेला था, ब्लाइंड स्विंग, अंधेरे में तीर चलाया था ऊपर बल्लेबाज संदीप ने, अब 4 गेंदे 21 रन, इस शॉट पर अगर बड़ा हिट नहीं आता तो फिर मैच कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकता है प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगा के। स्मर्तबा कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया है, ओहो क्या कैच पकड़ा ऊपर भीमसेन भोईर ने, देखिए रिप्ले में हम देख सकते हैं इस कैच को कैसा कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया था, गेंद जा रही है वहां पर दीवार बन के क्या छलांग लगाई थी, जिस तरह से संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में चीता छलांग लगाता है उस तरह से वहां पर छलांग लगाई थी भीमसेन भोईर ने, और कमाल का कैच,
बहुत अच्छा कैमरा वर्क ओम फोटोज एंड वीडियोस का, और मैच का टर्निंग पॉइंट संदीप का विकेट। स्मर्तबा डाउन दी विकेट लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, योगेश धुंदे गेंद के नीचे और एक विकेट गिरता हुआ प्रसन्न स्पोर्ट्स सुपेगांव का। देखिए रिप्ले में किस तरह से अब राजा आउट हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। देखिए नए बैट्समैन जयेश, लेकिन सामना करते हुए पपिया स्मर्तबा। आखिरी गेंद, गेंद चली गई थी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब केवल औपचारिकता बाकी, मैच की आखिरी गेंद शेष है और जीत पर पकड़ बना लिया अब संघर्ष स्पोर्ट संतानगर ए ने, और इसके साथ इस मैच को जीत लिया। अनेक अनेक अभिनंदन संघर्ष स्पोर्ट संतानगर, अमोल जाधव, साथ ही साथ रोशन भीमसेन, रोशन भुईर, योगेश धोंदे, पप्पू, ऑल टीम संघर्ष स्पोर्ट संतानगर। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने कुल मिलाकर 6 सिक्सर और 2 चौके की मदद के साथ कुल मिलाकर 48 रनों की पारी खेली। ओ ए योगेश धोंदे, योगेश धोंदे इज द मैन ऑफ द मैच। योगेश धोंदे आपको तुरंत मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, पिछले मैच में प्रमोद ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, कुल मिलाकर अपने टीम के लिए 31 रन बनाए थे और योगेश धोंदे ने कुल मिलाकर 48 रन बनाए अपने टीम के लिए और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बन चुके योगेश धोंदे। और भीमसेन भुईर आपको भी आगे आना है, जो आपने कैच पकड़ा था अमोल जादव की तरफ से 500 रुपए के इनाम में। पहला मैं योगेश धोंदे को मैन ऑफ द मैच देने जा रहे, पहले हम अमोल जादव की तरफ से सिक्सर हैट्रिक के लिए 1000 रुपया देने जा रहे। साथ ही साथ जो कैच पकड़ा था, क्या गजब का भीमसेन भुईर ने छलांग लगाई थी, उसके लिए 500 रुपए का इनाम है। ये देखिए दिल के भी पैसे वाले, घर के भी पैसे वाले अमोल जाधव। आइए हम अब योगेश धोंदे स्पॉन्सर ट्रॉफी, जो अपनी बहन लेट पूनम कमलाकर धोंदे की याद में उन्होंने स्पॉन्सर की है, विनोद जाधव की शुभातों से हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं जो योगेश धोंदे ने स्पॉन्सर की है। देखिए आपने खुद की ट्रॉफी खुद के घर में जा रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अविनाश भोईर स्पॉन्सर ट्रॉफी हम देने जा रहे हमारे अगले मान्यवर सर। सागर जादव की शुभातों से हम अविनाश भोईर ट्रॉफी स्पॉन्सर देने जा रहे, भीमसेन भोईर स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर हम देने जा रहे। किशोर जादव की शुभातों से हम भीमसेन भुईर गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे इस पद योगेश धोंदे को। उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य केतन जादव स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर हरिदास भुईर के शुभातों से हम देने जा रहे, जो केतन जादव ग्रुप ग्राम पंचायत सापे विद्यमान सदस्य है उनके शुभातों से हम देने जा रहे। उसके बाद सागर जादव स्पॉन्सर स्वीट्स बॉक्स विजय जादव के शुभातों से हम देने जा रहे। जीत की खुशियां मिठाई के साथ बाटिया, कुछ मीठा हो जाए विजय जादव के शुभातों से हम ये स्वीट्स बॉक्स देने जा रहे हैं। कि इस वक्त विजय जादव के शुभातों से या सर योगेश और हरिदास भोईर इन दोनों की शुभातों से हम योगेश दिंदो के इस वक्त स्वीट्स बॉक्स देने जा रहे हैं। और आखिर में होटल जनता आश्रम जो बाला बिडवी स्पॉन्सर विटामिन सी और डी कोल्ड ड्रिंक्स दीपक सोनावने की शुभातों से हम देने जा रहे हैं।
देखिए सभी को खाना खाकर जाना है। ये देखिए बाला बिडवी स्पॉन्सर कोल्ड ड्रिंक्स, अपने एनर्जी के लिए विटामिन सी और डी का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये 23 मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आइए दोस्तों अगले मैच की तरफ हम बढ़ रहे, जहां पर खेलने वाली दो टीमें पीजी स्पोर्ट्स महापुली बनाम राहुल 11 अडगांव के बीच।